भारत नेपाल सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत नया एवं आधुनिक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने की हो रही कवायद। समस्तीपुर रेल मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने गुरुवार को दोपहर जयनगर स्टेशन का निरीक्षण किया। DRM ने अमृत भारत योजना के तहत चयनित जयनगर स्टेशन के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट नक्शा का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसका चयन अमृत भारत योजना के तहत हुआ है। इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक मॉडल युक्त जल्द बनाया जाएगा एवं रेल यात्री सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस संबंधित अधिकारियों के साथ नए स्टेशन GRP RPF यात्री सुविधाओं से जुड़े लिफ्ट रनिंग रूम समेत अन्य विभागों के नक्शा के अनुसार नए निर्माण का स्थल का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। DRM ने कहा कि नए स्टेशन का निर्माण का जल्द प्रारंभ किया जाएगा। वे स्पेशल सैलून से जयनगर आए तथा बारी बारी कर लिफ्ट प्रतीक्षालय पैनल रूम पार्सल रूम नए व पुराने रनिंग रूम समेत संयुक्त क्रू लॉबी का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। DRM ने सर्कुलेटिंग एरिया में जल जमाव व साफ सफाई पर शीघ्र ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्री सुविधाओं से जुड़ी सुविधा बहाल पर निर्देश दिए। रेलवे जमीन पर अतिक्रमण को शीघ्र खाली करने का निर्देश दिया। नव के प्रतिनिधि द्वारा DRM को ज्ञापन सौंपकर मूत्रालय बनाने की गुहार लगाई पर DRM ने स्पष्ट रूप से रेलवे जमीन पर बिना NOC के कुछ भी बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दिया। GRP थानेदार मनोज कुमार ने नया GRP थाने के लिए जमीन देने का ज्ञापन सौंपा। DRM ने GRP थाने की जमीन नए स्टेशन निर्माण के अनुसार देने की बात बताई। उनके साथ डिवीजन के सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन संजय कुमार, DEN 1 रितेश कुमार, AEN अब्दुल शमद, CDEETR भीम सिंह सिंह कट भीमसेन सिंह, प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर SN झा, RPF कमांडेंट SJ जानिस, DOP आशुतोष झा, CDMO नीलेश कुमार, CDSP राहुल कुमार, DLO प्रवीर कुमार, प्रभात कुमार, स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश व RPF प्रभारी रमेश कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट। सर एक मिनट सर, ये जो लिफ्ट का कार्य अभी चालू है कब तक चालू होगा? देखिए, इसका अपना एक टाइम लिमिट होता है बनने का, उसको क्योरिंग भी चाहिए होती है, उसके बाद क्योरिंग हो जाएगी इसमें। ये तो सिविल वर्क है, इसके बाद इसमें लिफ्ट का जो भी इक्विपमेंट है वो लगाएंगे, क्योंकि तो बाहर से आके दूसरी कंपनी इंस्टॉल करेगी जो कि। एक चीज और है, ये यहाँ पे कैंपस में यात्रीगण का ही असुविधा हो रही है, उन्हीं लोग की शिकायत है कि जल जमाव की, अभी बारिश का समय जैसे आ गया है तो जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा ही रहती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ रहता है कैंपस में? कैंपस में देखिए, ये डिपेंड करता है कि बाहर आपके ड्रेनेज सिस्टम कैसे है। अगर पूरे शहर में पानी भरा रहेगा तो स्टेशन से उसे अछूता नहीं रह सकता। हालांकि हमने ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया है, पिछले साल किया था, पहले यहाँ पर ट्रैक पर भी पानी भर जाता था, और भी इम्प्रूव करेंगे हम, जो है एक और ड्रेन बना रहे हैं हम, इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट करेंगे जो हमारा अमृत भारत योजना है। और एक मिनट सर, एक टिकट काउंटर जो है वो भी तीन है और ज़्यादातर एक ही चालू रहता है, जिससे भी यात्रीगण को भी कठिनाई का उसका भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत यात्रीगण का अब कोई लंच करने के लिए कोई चले गए एक शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में भी आते है कोई टिकट काउंटर पे नहीं है, तो उसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। लंच का टाइम होता है आधे घंटे का स्लॉट होता है उसका, और उसके अलावा तो नहीं होगा, वो तो एक स्पेशल स्लॉट है उसको तो देना पड़ेगा लंच के लिए, उसके अलावा तो रहता ही हमारा 8 से लेकर 8 तक।